जैसा कि सबको ज्ञात है कि 20 नवंबर से 21 दिसंबर तक भाषा संगम कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में हो रहा है और अपने विद्यालय में भी वह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कई तरह के दिशा निर्देश हैं और बच्चों को बहुत सारी गतिविधियां करनी हैं, लेकिन सबसे पहली गतिविधि जो है वो प्रातःकालीन सभा की गतिविधि और प्रत्येक दिन एक भाषा है। जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं में से प्रत्येक दिन एक भाषा का प्रयोग प्रातःकालीन सभा में किया जाना है। आज जो निर्धारित भाषा है वो मलयालम। मलयालम भाषा मुख्य रूप से हमारे दक्षिण प्रदेश केरल में बोली जाती है, लेकिन केवल केरल में नहीं, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, तमिलनाडु के कुछ भाग, कर्नाटक के कुछ भाग, यहाँ मलयालम भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं और लगभग 3.5 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ की विशेषता है कि बहुत सारी भाषाएं हैं और सबका अपना समृद्ध साहित्य है। ये भाषाएं हमें जोड़ती हैं अपने देश को एक दूसरे से, तो हम भी इसी कड़ी में जो रूपरेखा दी गई है उसके अनुरूप प्रयोग करेंगे। एक झांकी है, लेकिन यह प्रयोग इसीलिए कराया जा रहा है कि हम थोड़ी सी जानकारी उस भाषा की लें और जब संभव हो सके तो उसका प्रयोग करके और दूसरे प्रदेश के लोगों से, दूसरे भाषा के लोगों से अपने आप को जोड़ सके। तो मैं आगे आगे अंग्रेजी, हिंदी और फिर मलयालम में पंक्तियां बोलूंगा। 8वीं कक्षा के बच्चे जानते हैं, उन्होंने देखा भी है